हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू सपोर्टिंग मी और जितने भी लोग इसको पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को उनको वेलकम टू दिस चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी सो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा ऐसा है कि जिसके अंदर आपको अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अभी तक स्टक हो आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ के अंदर या फिर अगर आप अभी ऑलरेडी कुछ कर रहे हो और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो और मैं आपको सच्ची बता रहा हूं क्योंकि जब मेरे को इसके बारे में पता चला था आज मैं एक अलग सा प्रोफेशन की बात करने वाला हूं जो कि नॉर्मली हमारी लाइफ के अंदर हमें कोई बताता नहीं है जब हम नाइन्थ क्लास टेंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास या फिर हम एम कर रहे होते हैं बी कर रहे होते हैं तो हमें कोई बताता नहीं है नॉर्मली क्या होता है कि हमारी लाइफ के अंदर हमें यह बताया जाता है डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ सी बन जाओ या फिर कोई जाके गवर्नमेंट जॉब कर लो उसके लिए यूपीएससी क्लियर करो जिसके अंदर ऑलरेडी देखा जाए तो लाखों करोड़ों बच्चे सिर्फ दस हजार सीटों के लिए बैठते हैं तो क्यों ना कोई लाइफ के अंदर कुछ अलग किया जाए बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है जो हमें पता नहीं है जिसके बारे में तो हम वो भी कर सकते हैं और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है फॉरेन लैंग्वेजेस फॉरेन लैंग्वेजेस की वजह से ही मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई पूरी गोल घूम गया मैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर जो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उसके बाद जब मैंने फॉरेन लैंग्वेज शुरू करी मेरा इतना इंटरेस्ट बना इतना इंटरेस्ट बना कि मेरे को लगा कि यही मेरी फील्ड है तो मैं आपसे कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करूंगा फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी कौन सी होती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिस टाइम पे मैंने फॉरेन लैंग्वेजेस मैंने जर्मन लैंग्वेज प्रोफेशनली सीखनी जब शुरू करी तो मेरे से लोग पूछते थे लैंग्वेज करके क्या करोगे लैंग्वेज का क्या स्कोप है और जब मैं आगे लोगों से मिलता हूं उनसे लैंग्वेज की बात करता हूं तो वो कहते हैं लैंग्वेज करके क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं लैंग्वेज की क्या पावर है इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनीज हैं जो स्टार्टिंग सैलरी पैंतीस हजार रुपए देती है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज स्पेनिश फ्रेंच पोर्चुगीज अगर आती है तो तो फॉरेन लैंग्वेजेस होती क्या है फॉरेन लैंग्वेजेस को हम कैसे कैसे कर सकते हैं सबसे पहला फॉरेन लैंग्वेजेस की डिग्रीज भी होती हैं बीए इन जर्मन बैचलर्स इन जर्मन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्मन उसके बाद उसमें आप मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हो इन जर्मन इन स्पेनिश इन पोर्चुगीज इन अरेबिक ये भी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आपको इसके बारे में कोई नहीं बता रहा है तो आप इसको यूज करो और जाके डेली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके चेक करो और लेट सपोज अगर आप इसको थोड़ा जल्दी करना चाहते हो एज अ प्रोफेशनल सीखना चाहते हो तो जर्मन लैंग्वेज के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है ग्योथे इंस्टीट्यूट मैक्स मिलर भवन मैंने डेली डेली में लैंग्वेज सीखी थी तो मैं आपको डेली का बता सकता हूं अगर आप चंडीगढ़ से हैं बेंगलोर में हैं पुणे में हैं या फिर कोयम्बाटोर में हैं तो वहां पर भी ग्योथे इंस्टीट्यूट है जहां पे आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो तो वहां पर कुछ लेवल्स होते हैं अगर आपको फ्रेंच सीखनी है तो उसके लिए आप आलियांस चाहिए जो लोधी रोड पे है दिल्ली के अंदर स्पेनिश सीखनी है तो सी के अंदर को नॉर्थ प्लेस में है सरवानतेस जैपनीज सीखनी है चाइनीज सीखनी है वो सी के अंदर है Uh, कहाँ पे मोसाए तो आप वहां पे भी जा सकते हो तो वहां पर लैंग्वेज सिखाई जाती है और लैंग्वेज का होता कैसे है लैंग्वेज के कुछ लेवल्स होते हैं ए वन ए टू ये होते हैं बेगिनर्स लेवल बी वन बी टू इंटरमीडिएट लेवल्स सी वन सी टू सी वन सी टू का मतलब है कि आप नेटिव हैं लैंग्वेज के अंदर आप मैं जैसे भी अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो वैसे ही मैं जर्मन बोल सकता हूँ अगर आप वो लेवल कर लेते हैं उसमें टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में तो होता क्या है कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं अकॉर्डिंग टू योर लेवल्स लेट सपोज अगर आपके पास B1 है तो B1 पे अलग आपको जॉब मिलती है अगर आपके पास C1 है तो आपको अलग जॉब मिलती है अगर आपके पास C2 है तो आपको अलग लेवल की जॉब मिलती है तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने लेट सपोज लैंग्वेज सीख भी ली उसके बाद स्कोप क्या है मैं किस टाइप की जॉब्स कर सकता हूं मेरा आगे क्या फ्यूचर है अगर मैं इसको प्रोफेशनली देखता हूं तो तो मैं आपको जितना मेरा एक्सपीरियंस है या मेरे जो फ्रेंड्स हैं मेरे ब्रदर्स हैं जो भी ये लैंग्वेज कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद हमारी मेरी पर्सनल फैमिली के अंदर पांच से छः लोग हैं जो अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और अगर सबसे पहली कंपनी की मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस से तो जब मेरी पहली जॉब थी वो थी यूट्यूब में गूगल में ऑन थर्ड पार्टी पेरोल कॉन्ट्रेट्स के लिए मैं काम करता था मेरे को सैलरी वहां से मिलती थी और हम बैठते थे गूगल बिल्डिंग के अंदर वहां पे जॉब क्या होती थी बड़ी कूल जॉब थी यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड करते हो जैसे अभी मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा वैसे ही वीडियो जब अपलोड होती है उसके बाद लेट सपोज इस वीडियो के अंदर कुछ गलत है गालियां दे रहे हैं आप या आप किसी को बुली कर रहे हैं तो हमें वो वीडियो सुननी होती थी या अगर हेट स्पीच बोल रहे हो आप किसी के खिलाफ किसी रिलीजन के खिलाफ आप गलत बोल रहे हो तो YouTube की कुछ गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें वीडियोस देखनी होती थी मेरे को जर्मन लैंग्वेज की इंडिया के अंदर जर्मनी से कोई अपलोड कर रहा है और मैं इंडिया के अंदर बैठ के उस वीडियो को देख रहा हूं अगर उसके अंदर कुछ गलत है तो मैं उसको डिलीट करूंगा तो वहां पर क्या होता था अब मैं अपनी जर्मन लैंग्वेज सुन भी रहा हूं अच्छी भी कर रहा हूं और मेरे को वो वीडियो देखने के पैसे भी मिल रहे हैं थर्टी फाइव मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी अगर आप भाषा इंडोनेशियन लैंग्वेज करते हो तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी सेवेंटी थाउजेंड थी लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि आप पैसे देख के मत जाओ इंटरेस्ट देख के जाओ इस पर आगे बात करेंगे कि हम कैसे कोई फॉरन लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं तो उसके बाद दूसरी जॉब अमेजन अमेजॉन में बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जैसे टी आर एम एस ठीक है ट्रांजेक्शन रिस्क मैनेजमेंट उसमें क्या होता है लेट सपोज आप कोई फ्रॉड कर रहे हो जर्मनी से तो वहां पर वो लोग बैठ के चेक कर रहे हैं मेरी जॉब जो थी मेरी जॉब में क्या था कि मेरे को देखना होता था कि लेट सपोज आपने कोई वी कोई एड स्पॉन्सर्ड एड्स आप अपनी एडवर्टीजमेंट को अमेजोन पे डालना चाहते हो और उसके बाद उसको पहले हमें स्क्रूटनाइज करना है चेक करना है कि वो जो एड है उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है या फिर हमें रेलिवेंसी चेक करनी होती है रेलिवेंसी का मतलब क्या होता है आप आईफोन सेवन के लिए ढूंढ रहे हो कहीं आपके पास चेयर तो नहीं आ रही टेबल तो नहीं आ रहा तो वो रेलिवेंस हमें चेक करना होता था टर्म्स के अकॉर्डिंगली जर्मन लैंग्वेज में वहां पर जो स्टार्टिंग सैलरी है पचास हजार साठ हजार इतनी स्टार्टिंग सैलरी भी मिलती है और अगर आप कहीं पे मूव करते हो दिल्ली से अगर आप बेंगलोर जा रहे हो जॉब के लिए तो वहां पे आपको अलग चार्जेस मिलते हैं कि आप यहां से मूव कर रहे हो वो एक लाख रुपए आपको अलग मिलते हैं तो ऐसे बड़े सारे बेनिफिट्स हैं उसके बाद तीसरा अगर आप इंडिया के अंदर ही हैं आपको कहीं पे जॉब नहीं करनी लेकिन आप फ्री की जॉब कर सकते हो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे अपवर्क अपवर्क क्या है एक वेबसाइट है जहां पे जाके अपनी अपनी प्रोफाइल बनाते हो और आप उनको बोलते हो कि मेरे को जर्मन लैंग्वेज आती है मैं एज अ ट्रांसलेटर काम करना चाहता हूं आप सब कुछ वहां पर डाल देते हो एज अ प्रोफाइल और उसके बाद लेट सपोज एक चाइना के अंदर बंदा है जो अपनी वेबसाइट को ट्रांसलेट कराना चाहता है इंग्लिश से जर्मन में और आपको इंग्लिश भी आती है और जर्मन भी आती है तो आप क्या करोगे वहां पे आप उनको ऑफर भेजोगे बोलोगे कि भाई मैं आपकी वेबसाइट को पूरा ट्रांसलेट कर दूंगा 300 यूरो मेरा बजट है 300 यूरो मतलब चौबीस हजार रुपए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मिनिमम आप वहां पे 12 यूरो घंटे यूरो के चार्ज कर सकते हो 12 से 15 यूरो का मतलब है बारह सौ रुपए तेरह सौ रुपये हजार रुपये एक घंटे के आपको वहां पे ऐसे मिल सकते हैं और बड़ी कूल जॉब्स हैं वहां पे बहुत अलग अलग टाइप की जॉब्स आती हैं जैसे दूसरी जॉब ए का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरी पे बोलते हैं जैसे हम या फिर हम गूगल को बोलते हैं हे गूगल ओपन माय ईमेल तो आपको यह सब कुछ रिकॉर्ड करना है जर्मन के अंदर और आप अपने क्लाइंट को भेजोगे अगर उनको काम पसंद आ गया तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ऐसे आप फ्री का जॉब कर सकते हो घर पर बैठे बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इसके साथ आप डिजिटल नॉर्मेट बन सकते हो आप बाली में इंडोनेशिया में बैठे हो तीन महीने के लिए वहां पे कोई वीजा नहीं चाहिए तीन महीने आप वहां पे रह रहे हो सेम खर्चा है जितना आप इंडिया के अंदर किराया वराया देते हो उतना खर्चा वहां पर है आप वहां पर अपना रह रहे हो और जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको लैंग्वेज स्किल्स आते हैं उसके बाद एक और जॉब की बात करते हैं टीचिंग की बड़ी सारी बड़े सारे स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जर्मन लैंग्वेज स्पैनिश, फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ा मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ता है जर्मन से कभी कभी फ्रेंच लैंग्वेज भाषा इंडोनेशिया के अंदर बोली जाती है जैपनीज चाइनीज पोर्चुगीज वो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं स्कूल के अंदर तो वहाँ पे आप एज अ टीचर जॉब कर सकते हो और अगर आपको फुल टाइम टीचिंग नहीं करनी तो आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो क्योंकि बच्चे ट्यूशंस भी ढूंढते हैं आप उनको ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो ये भी पॉसिबल है और वहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने से मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी अभी पढ़ा रहे हैं कोई लिमिट नहीं है एक लाख रुपये महीना दो लाख रुपये महीना पचास हज़ार रुपये महीना दस हज़ार रुपये महीना जितना आप एफर्ट डालना चाहते हो लेकिन स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेज आजकल आप ले सकते हो तो ये भी पॉसिबल है उसके बाद बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर मैं किस टाइप की जॉब कर सकता हूं फॉरेन कंट्रीज के अंदर सपोज क्या होता है यहाँ पर जो एक आउपेयर में क्या होता है पेरेंट्स जॉब करते हैं लेकिन वो अपने बच्चे के लिए कोई वॉलंटियर या फिर कोई आउपेयर ढूंढ रहे हैं ताकि वो बच्चे की बच्चे का ध्यान रख सके बच्चे को खिला पिला सके बच्चे के साथ खेल सके उसका होमवर्क में हेल्प कर सके उसको स्कूल लेके जा सके तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उस कंट्री के अंदर अपनी आउपेयर की जॉब भी कर सकते हो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिल सकता है एक तो आपको अस्सी हज़ार रुपये महीना कमाने को मिलेगा फॉरेन कंट्री के अंदर और उसके साथ साथ आपको फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप जो लैंग्वेज सीखी है उसमें उसको असल में कम्युनिकेट कर पाओगे उस लैंग्वेज में उसके बाद एक और जॉब सोशल ईयर सोशल ईयर क्या होता है यूरोप के अंदर बड़े सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं जब वो स्कूल खत्म करते हैं या यूनिवर्सिटी खत्म करते हैं उसके बाद एक साल का ब्रेक लेते हैं और सोशल वर्क करते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है सोशल वर्क करने के अंदर एनजीओ में आप कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हो तो आप कोई भी कंट्री में लेट सपोज अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप स्पेन चले जाओ लैटिन अमेरिका चले जाओ वहां पर बड़ी सारी तेईस कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है तो आप वहां जाके के एक साल के लिए बुज़ुर्ग लोगों की हेल्प कर सकते हो या बच्चों को पढ़ा सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है और आपने स्पेनिश सीखी हुई है तो आप स्कूल के अंदर जाके बच्चों को स्पेनिश सिखा सकते हो मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूं जो इटली में इंग्लिश सिखाते हैं और उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप ढूंढ सकते हो कि आप कैसे कर सकते हो और अब आप ये सोचो कि आप लैंग्वेज को चूज़ कैसे करोगे तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये एडवाइस है कि आप जोन से लैंग्वेज आपको मैंने बताई इसके अलावा बड़ी सारी और भी लैंग्वेजेस है नॉर्वेगियन नौर, लैंग्वेज है आप नेदरलैंड चले जाओ वहां पे दूसरी लैंग्वेज डेनिश बोली जाती है तो आप वो देख सकते हो डच बोली जाती है नेदरलैंड्स में हॉलैंड में तो आप क्या करो लेट सपोज मैं आपको बताया ग्योथे इंस्टीट्यूट मैक्समिल भवन में जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है तो आप वहां जाके लोगों से मिलो उनसे पूछो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है जब वो जर्मन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग आ रही है कि आपको लग रहा है कि ये मैं भी बोल सकता हूँ और इतनी कूल cool है जैसे जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी उसके बाद मेरे को स्पेनिश जब लोग बोलते हैं तो मेरे को लगा वाओ सो अमेजिंग वैन यू स्पीक स्पेनिश तो मैंने क्या करा स्पेनिश लैंग्वेज अपनी यूनिवर्सिटी में एनरोल किया और मैं आजकल ए वन स्पेनिश सीख रहा हूँ तो उसमें इतना मज़ा आता है जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो ऐसे ही आप सर्वान्त जा सकते हो अब कोई स्पेनिश इंस्टीट्यूट जाओ वहां पर जाके आप देखो कि अगर वो स्पेनिश में बोल रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप स्पेनिश के लिए एनरोल कर सकते हो फ्रेंच के लिए एनरोल कर सकते हो मे बी अगर आपका इंटरेस्ट है जापान में तो आप जापनीज लैंग्वेज चूज कर सकते हो चाइना का बड़ा ट्रेड होता है हम जितना मर्जी बोले कि चाइना का कोई ट्रेड नहीं है चाइना में बहुत ट्रेड होता है तो आप चाइनीज लैंग्वेज सीख सकते हो एज एन इंटरप्रेटर काम कर सकते हो ट्रांसलेटर काम कर सकते हो यस yes, एक और जॉब है एग्जीबिशन के अंदर आप एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हो यह भी पॉसिबल है यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इंडिया के अंदर लिया बेंगलोर ट्रेवल किया और एक दिन के वहां पर यह रेयरली होता है फुल टाइम नहीं होता पार्ट टाइम होता है बट एक दिन के अगर आपको नेगोशिएट करना आता है तो डेढ़ सौ यूरो दो सौ यूरो सोलह हजार रुपए एक दिन के मिलते हैं नौ घंटे काम करने के तीन दिन के अंदर आप अपना आईफोन जैसे मैंने भी ऐसे किया था कि मेरे पास पहले सैमसंग था तो मेरे को ये था कि यार ई नहीं लिखी जाती हैंग होता है मेरे को आईफोन चाहिए तो कैसे मिलेगा तीन दिन काम किया और वहां से फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज ऑन किया और आईफोन लिया तो आप ऐसे क्रिएटिवली सोच सकते हो आप और कुछ देख सकते हो कि आप और क्या कर सकते हो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी आपको कुछ नए आइडियाज मिलेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर और भी कुछ कर सकते हो जो क्रिएटिव हो सकता है जो इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए और जब आप एक लेवल पे आते हो जहाँ पे 40 पचास हजार आप जब कमाना शुरू करते हो तो आप लॉन्ग टर्म सोचो कि जो आपके घर में वाइफ आएगी या जो आपके बच्चे होंगे आप उनको अच्छी लैंग्वेज अच्छे स्कूल में भेज सकोगे उनको और स्किल्स प्रोवाइड कर सकोगे कर सकोगे आप अपने पेरेंट्स की लाइफ अच्छी कर सकते हो अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो आई होप आप ये इससे कुछ नया आइडिया मिला है और आप इसको जाके इम्प्लीमेंट करो सर्च करो अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी जो भी आपका डाउट है कोई भी आपका क्वेश्चन है आप वहाँ पे या फिर आप मेरी ईमेल एड्रेस पे जाके मेरे को ई कर सकते हो आई एम फॉर यू देयर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अभी स्टक है या इनको नहीं पता कि हमें लाइफ के अंदर क्या करना है तो इसको चांस टू इट नाइन्थ क्लास एट्थ क्लास के बच्चों को ये वीडियो बता दिखाइए अगर आप पेरेंट्स हैं हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर उनको नया आइडिया कुछ मिल जाए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय